एड ऑन एंटरटेनमेंट। हाल ही में बिग बॉस से कुछ कंटेस्टेंट्स बेघर हुए हैं, इसके साथ साथ बिग बॉस के घर में कुछ नए कंटेस्टेंट्स ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मार ली है, जिसमें कविता कौशिक, नैना सिंह और शार्दुल पंडित का नाम शामिल है। वीकेंड के वॉर में सलमान खान बिग बॉस के स्टेज पर शानदार एंट्री लेते हैं और सभी घर वालों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ साथ सभी घर वाले सलमान खान की ड्रेस की जमकर तारीफ करते हैं। सलमान खान कहते हैं कि इस बार पूरे हफ्ते घर को सिर्फ जैस्मीन भसीन ने ही चलाया है। जब घर में सायरन बजा, तोड़फोड़ मची, उस वक्त जैस्मीन चाय बना रही थी और बिग बॉस से कपड़ों की मांग कर रही थी। इसके साथ साथ जैस्मीन ने इस बार पूरे हफ्ते फैंस को एंटरटेन किया है। इस बीच बिग बॉस के घर में नोरा फतेही और गुरु रंधावा की शानदार एंट्री होती है और घर का माहौल मस्त बन जाता है। गुरु रंधावा, नोरा फतेही घर में लड़कों से गर्मी डांस करवाते हैं। उन लोगों का डांस देखकर सलमान खान के साथ गुरु और नोरा खूब इंजॉय करते हैं। घर की लड़कियां खूब इंजॉय करती हैं। इसके बाद मस्ती करते हुए दोनों के दोनों चले जाते हैं। सलमान खान वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर कविता कौशिक, नैना सिंह का स्वागत करते हैं। कविता और नैना सिंह बिग बॉस के स्टेज पर धमाल परफॉर्मेंस देकर सभी का दिल जीत लेती हैं। इसके बाद तीसरे वाइल्ड कार्ड एंट्री के कंटेस्टेंट के तौर पर शार्दुल पंडित का स्वागत किया जाता है। सलमान खान उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि अगर बिग बॉस का घर होने की जगह जू होता तो घर का सदस्य कौन सा जानवर होता। इस पर शार्दुल जवाब देते हैं। शार्दुल पंडित और नैना सिंह आपस में बातचीत करते हैं। शार्दुल ने नैना पर एक कमेंट से दोनों एक दूसरे पर तीखे वार करने लग जाते हैं। नैना कहती हैं कि घर के अंदर चलो, वो उनका दिमाग खराब करेंगे। इस पर शार्दुल कहते हैं कि उनका पहले से ही दिमाग खराब है। इसके बाद बिग बॉस घर वालों को एक नया टास्क देते हैं, जिसमें घर वालों को आपसी सहमति से तय करना होता है कि किसको कितना स्क्रीन टाइम मिलता है। टास्क के दौरान सभी एक दूसरे की कमियों के बारे में बात करते हैं। सलमान खान कविता कौशिक, नैना सिंह और शार्दुल पंडित से कहते हैं कि आप लोगों को घर वालों से वीकेंड पैनल बनाकर मिलवाता हूं। तीनों नए सदस्य स्क्रीन टाइम टास्क में अपनी राय देते हैं और आखिर में सलमान घर वालों को सच्चाई बता देते हैं कि ये तीनों घर के नए कंटेस्टेंट्स हैं। इसके बाद बिग बॉस ने घर वालों से कहा कि वो घर के किस नए सदस्य को रेड जोन में भेजना चाहते हैं। निकी तंबोली ने नैना सिंह, अभिनव शुक्ला, शार्दुल पंडित, जान कुमार सानू, जैस्मीन भसीन के साथ साथ राहुल वैद्य का और निशांत मलकानी का नाम लिया। उन्होंने पवित्रा पुनिया, एजाज खान और रुबीना दिलेक और कविता कौशिक को भी इसमें घसीट लिया। नैना सिंह और शार्दुल को चार चार वोट मिलते हैं तो उनके रेड जोन में जाने पर चर्चा होती है और कविता कौशिक को एक वोट मिलता है, इससे वो रेड जोन में सेफ हो जाती हैं। फिर सलमान खान कहते हैं कि अब सीन पलटेगा और कविता रेड जोन में जाएंगी और वो फिर से सीन पलटते हैं और कविता को घर का नया कैप्टन घोषित कर देते हैं। सलमान खान कविता कौशिक, नैना और शार्दुल पंडित को घर के अंदर भेजते हैं और घर वाले उनका शानदार स्वागत करते हैं। कविता कौशिक एजाज खान को सलाह देती हैं, वो एजाज और निक्की तंबोली और पवित्रा पुनिया से रुबीना दिलेक के समान वाली बात को लेकर चर्चा करती हैं। कविता कहती हैं कि रुबीना ने बात को बेवजह बढ़ाया है, इनकी वजह से अभिनव शुक्ला का गेम नहीं दिख पा रहा है। तो वहीं नैना सिंह घर वालों से बात करती हैं और सभी फिलहाल तो मस्ती करते हैं, लेकिन जिस तरह से कविता कौशिक पहले ही दिन आकर बिग बॉस में कैप्टन बन गई है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में बिग बॉस के घर में जमकर वो अपने तेवर दिखाने वाली हैं। क्योंकि जिस तरह से पहले ही दिन उन्होंने रुबीना दिलेक को लेकर बात कही है, उसे देखकर तो यही लग रहा है आने वाले टाइम में बिग बॉस के घर में कई सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। बिग बॉस की हर अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को करें सब्सक्राइब, ताकि आप रह सकें बिग बॉस की हर अपडेट से अपडेट। इसके साथ साथ हमारे चैनल की वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।